साथियों, आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि आप जमीन एग्रीमेंट, जमीन जो खरीद रहे हैं रजिस्ट्री से पहले एग्रीमेंट कैसे करें, क्यों जरूरी होता है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, और पूरा मैंने आपको प्रारूप भी तैयार किया है कि आप कैसे बनवाएं और कौन कौन सी इसमें जो है आप शर्तें डालें, वो भी मैंने आपके लिए पूरा डिसाइड की है कौन कौन सी आपको शर्तें डालना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है साथियों, जिससे आपके जब भी आप ज़मीन खरीदते हो तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी नियम है, कानून है, इसके बारे में सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे साथियों। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो कि सबसे ज़रूरी है, यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, लीगल एडवाइस साथियों लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा। ठीक है जी, आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि आप जो है एग्रीमेंट कैसे तैयार किए, एग्रीमेंट में कौन कौन सी शर्तें करें, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अनरजिस्टर्ड मान्य होगा कि नहीं होगा, ये सारी शर्तों के जवाब जो है साथियों वो आपको मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि इकरारनामा, ठीक है, इकरारनामा आपको क्यों बनवाना चाहिए। सबसे पहले क्यों आप इतना पैसा खर्च करें, क्यों आपको ये बनवाना चाहिए? तो साथियों, सबसे पहला रीज़न इसका ये है कि इकरारनामा जो है वो इसलिए बनाया जाता है आपकी सिक्योरिटी के लिए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पार्टी से आप मान लीजिए मुझसे खरीद रहे हैं कोई ज़मीन, ठीक है, तो कितने में खरीद रहे हैं? ठीक है, क्योंकि अगर इकरारनामा होगा यानी कि एग्रीमेंट होगा तो मैं बदल नहीं पाऊंगा। हो सकता है मैं आज आपको 10 लाख बेचूं, आप थोड़े पैसे ले लूं, और कल से मैं कह रहा हूं भाई अब तो 15 लाख की बेचूंगा मैं। ठीक है, और दूसरी बात, यदि मान लीजिए कोई फर्जीवाड़ा है तो, या मान लीजिए रजिस्ट्री करने में आने का नहीं करता हूँ मैं, ठीक है, या मान लीजिए आपको मैंने प्रॉपर्टी बेची अब आप पैसा ही नहीं दे रहे हो, तो इकरारनामा दोनों लोगों के ही लिए ही जरूरी है। क्रेता चाहे ज़मीन बेच रहा है उसके लिए, चाहे जो ज़मीन खरीद रहा है उसके लिए, दोनों के लिए ही इकरारनामा जरूरी है। इकरारनामा सीधा सामान्य भाषा में आप समझ लीजिए साथियों कि दोनों ही लोगों को अपनी शर्तों से बांध कर रखता है कि कोई भी मुकर नहीं सकता। आपने कह दिया कि 10 लाख में बेचूंगा, दूसरे ने कह दिया हाँ खरीदूंगा, तो दोनों ही बाध्य हो गए। आपने कह दिया कि 1 तारीख तक पूरा पैसा आ जाएगा, उसने कह दिया ठीक है 1 तारीख को मैं रजिस्ट्री करा दूंगा, तो दोनों ही बाध्य हो गए। दोनों लोग बाध्य रहते हैं, कोई भी अपनी शर्तों से नहीं मुकर सकता। अगर मुकरता है तो कोर्ट द्वारा आप जो है रजिस्ट्री करवा सकते हैं या उसके ऊपर केस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए आपको एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। मैं आपको हिदायत दूंगा कि जब भी आप ज़मीन खरीदें तो एग्रीमेंट बनवाएं। अब साथियों, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए? ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए क्या? ठीक है, इसके बारे में तो साथियों एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर्ड ही मान्य होता है। ठीक है ना, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड ही मान्य होता है, जो एग्रीमेंट जो है वो अनरजिस्टर्ड मान्य नहीं होता है, क्योंकि संशोधन हो गया और जो 100 रुपये से ऊपर की संपत्ति है, जो भी 100 रुपये की ऊपर की संपत्ति है, इसका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि एग्रीमेंट कैसे तैयार करें, कौन कौन सी शर्तें डालें जिससे भविष्य में आप लोगों को दिक्कत ना हो। प्रारूप, अगर आप नए वकील हैं या मान लीजिए नहीं है, तो प्रारूप मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, विद और साथियों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई भी उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना है, ज़मीन फर्जी तो नहीं है, लोन तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और प्रारूप लेने के लिए, इसी प्रकार से प्रारूप अगर पाना चाहते हैं आप लेखन विधि के, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, सब लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आते हैं अपने साथियों टॉपिक पर। यहाँ पे लिखा है इकरारनामा विक्रय, ठीक है, यह है कि हम जो बेच रहा है उसका नाम, पुत्र, निवासी, तहसील, जिला के हैं, जो भूमि नंबरी जो उसका नंबर है, रकबा जो भी उसका क्षेत्रफल है, स्थित ग्राम जो भी है, ठीक है, तहसील, ठीक है, जिला के संक्रमणीय भूमिदरा तथा कागज आराजी हैं, उक्त हमारी पैतृक संपत्ति, हमें लगातार खेती में घाटा हो रहा है जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, हमें अपने परिवार के खर्च, खाने की खर्च एवं पालन पोषण के लिए आवश्यकता है, लिहाजा हम लोगों ने उक्त विक्रय का मन बना लिया है। हम लोग जो है हमने कई लोगों से बात की, परंतु उक्त भी भूमि का उचित पैसा देने के लिए तैयार कोई भी नहीं हुआ, लेकिन श्री जो खरीद रहे हैं, अब उनका नाम श्री जो भी फलाने सिंह, पुत्र ये, निवासी ये, तहसील, जिला, उक्त भूमि का उचित मूल्य देने को तैयार है। हम लोग भूमि श्री यानी कि जिसे बेच रहे हैं उसका नाम, पुत्र के हाथ बेचना तय कर लिया है। मूलधन यानी कि कितने में बेचे हो, जैसे मान लीजिए 10 लाख में बेच रहे हो आप, ठीक है, तो 10 लाख जिसके आधे 5 लाख होते हैं
होते हैं, मैं से बतौर राशि प्राप्त कर ली है, यानी कि मान लीजिए आपने अगर टोकन मनी 5 लाख, 50,000, 1 लाख, 10,000 जो भी है प्राप्त कर ली है, इसलिए इकरारनामा बयाना श्री यानी कि जो जिसे आप बेच रहे हैं उनके हक में निम्नलिखित शर्तों से आबाद करते हैं। शर्तें दोनों के लिए साथ ही जरूरी हैं, ठीक है। यदि आप विक्रेता हैं फिर भी आप शर्तें लगवाइए, क्या आपके फेवर में कई शर्तें होती, जैसे मान लीजिए भाई पैसा इतने टाइम तक मिल जाएगा, नहीं मिला तो हम दूसरे को बेच देंगे, ठीक है। ऐसी शर्तें आपको भी डलवाना चाहिए, ठीक है ना साथियों। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब देखिए किन शर्तों से आबाद करते हैं वो भी आप जान लीजिए, ठीक है ना, ज़रूरी है। देखिए ये लिखा था जो मैंने यहाँ पे, देखिए आप यह है कि हम आज की तारीख बावत बिक्री धनराशि पूर्व में प्राप्त कर चुके तथा शेष धनराशि वक्त रजिस्ट्री प्राप्त करेंगे, ठीक है। या मान लीजिए एक डेट लगा दीजिए, हम यहाँ तक प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। दूसरा यह है कि हम लोग बाकी धनराशि क्रेता से माह के अंदर दिनांक तक प्राप्त कर बैनामा क्रेता के हक में कर देंगे। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि हम 11वें महीने की 4 तारीख तक करवा देंगे, ठीक है। बैनामा न करें तो क्रेता न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का बैनामा करवा ले, बयाना राशि में प्रतिशत ब्याज काटकर भुगतान कर दे, ठीक है। अब इसमें ये भी शर्त लगा दी, भाई अगर मैं मुकर्ता हूँ तो आप कोर्ट द्वारा करवा लीजिए, ठीक है। अब साथियों कोर्ट में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मान्य होता है तभी आप कोर्ट द्वारा करवाएंगे, ये ध्यान रख लेना। अब आपको बहुत मजबूती मिल गई, यह है कि हम लोग स्वयं संबंधी सभी कागजात क्रेता को सौंप दिए। अब देखिए आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, टोकन मनी ले लें तो कागज भी उसे दे दीजिए, चेक कर ले, इस संबंध में पूर्ण जानकारी कर ले। अगर किसी वैधानिक कारणवश क्रेता उक्त भूमि को न खरीदे उस अवस्था में क्रेता का अधिकार होगा कि वह अग्रिम धनराशि उक्त समय के सीमा भीतर प्राप्त कर ले। यानी कि मान लीजिए कोई डिफॉल्ट पाया जाता है डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, तो क्रेता जो है अपनी धनराशि वापस ले जाए, ठीक है, तो टोकन मनी वापस मिलेगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है चौथी शर्त, यह है कि हम लोगों ने विश्वास दिलाया है कि हम लोग उक्त संपत्ति के मालिक हैं, इस पर कोई भार नहीं है, यदि न हो तो क्रेता छतपूत माने का अधिकारी होगा। अगर मान लीजिए इसमें कोई लफड़ा निकलता है, ठीक है, 1 लाख रुपए आपने दे दिए, अब 2 महीने बाद पता चलता है इस पर तो लफड़ा है, तो 1 लाख रुपए जो उसने यूज किए उसका ब्याज भी देगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्रेता छतपूर्ति पाने का हकदार है। पांचवा यह है कि यदि क्रेता समय अवधि के ऊपर भूमि बैनामा नहीं कराता है तो वह अग्रिम धनराशि लेने का हकदार नहीं होगा, बाद भूमि कम कीमत पर बिकती है तो। अब देखिए जो इसमें जमीन बेच रहा है उसका फायदा होगा, क्या उसने लिख दिया कि अगर क्रेता 3 तारीख तक या मान लीजिए 4 तारीख तक जो भी डिसाइड किया आपने भूमि का बैनामा नहीं करवाता, पैसा नहीं देना, तो जो उसने टोकन मनी दी है वो भी नहीं ले पाएगा, ठीक है। और अगर कम भूमि बिकती तो अपना जो है भाई वो हमें पैसा देगा, छतपूर्ति का केस हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। छठवां ये है कि उपरोक्त शर्तों को हम दोनों लोग आवश्यक सोच समझ कर पढ़ लिया है प्रतिबद्ध तथा हम और हमारे उत्तराधिकारी होंगे, यानी कि जो बेच रहा है वो और उसके लड़के भी होंगे, जो खरीद रहा है वो उसके लड़के भी होंगे, अतः इकरारनामा लिख दिया है, समय रहते काम आए, गवाह का नाम पता इकरारनामा का हस्ताक्षर और ये करवा लिए रजिस्टर्ड, जो कि आपका हमेशा हमेशा मान्य होगा, ठीक है। अब आपके थोड़े क्वेश्चन के जवाब में दे दूँ, ये क्वेश्चन होते हैं, क्या एग्रीमेंट करवाना जरूरी है यदि आपको बिल्कुल भी लफड़ा नहीं लेना है, ठीक है, आपको लगता है क्रेता बदल सकता है, क्रेता बेईमान टाइप का है, क्रेता या विक्रेता, तो आपको एग्रीमेंट करवाना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दोनों लोग शर्तों को आबाद हो जाते हैं, कल से क्रेता न बेचे तो आप कोर्ट द्वारा भी ये करवा सकते हैं। दूसरी बात, क्या रजिस्टर एग्रीमेंट होना चाहिए, जी रजिस्टर एग्रीमेंट ही होना चाहिए, ठीक है, एग्रीमेंट ही होना चाहिए, रजिस्टर्ड ही होना चाहिए एग्रीमेंट, गैर रजिस्टर्ड माने नहीं होता है, ठीक है। और मान लीजिए आप ज़मीन बेच रहे हैं फिर भी आपको करवाना चाहिए, खरीद रहे हैं फिर भी आपको करवाना चाहिए, यदि आपको अपनी शर्तों से नहीं करवाना है तो आपको ये पूरा करवाना चाहिए। साथियों हमारे टेलीग्राम की चैनल की लिंक दी गई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ऐसे ही वो पाने के लिए जो प्रारूप है वो आप पाते रहेंगे, और हमारे ट्विटर को अवश्य फॉलो करें। धन्यवाद।